आइए हमद बारी ताला का वो तीन शेर, मैं यहीं से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। मेरे मोहतरम अजीज बड़े भाई ताबिश रेहान साहब तशरीफ फरमा है, आइए वो मतला पेश करता हूं बतौर खास मुलाहजा फरमाए। वसीम भाई थोड़ा सा बेदार हो जाइए, बस सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है। माशाल्लाह ये जो आगे बच्चे बैठे हैं, जो आपने कहा कि शकरपुर का माहौल जो है बाद में गर्म होता है, मैं यहीं से गर्म करने की कोशिश करता हूं बतौर खास। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। ऑपरेटर आपको सलाम, थोड़ी सी इको और थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दे, दोबारा सलाम। इस यहाँ की तपिश में गो रहमत का सजदे दे दो, इस यहाँ की तपिश में गो रहमत का सजदे दे दो, किसिया की तपिश में हो रहमत का सजदे दे दो, रहमत का सजदे दे दो। क्या अरे उड़ के मैं चला जाऊं, मौला मुझे पर दे दो, उड़ के मैं चला जाऊं, मौला मुझे पर दे दो। पीछे वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हाथ उठा के सबूत पेश करें और बोले सुभान अल्लाह। कि मुड़ के मैं चला जाऊं, अरे मौला मुझे पे दे दो। अब इन प्यारे प्यारे बच्चों के हवाले और आपकी समातों के हवाले ये शेयर करता हूँ, लाजा फरमाए। कि देता गे जो आका को गाली बोले तो बचे, देता गे जो आका को गाली बोले दो बचे, कि देता गए जो आका को अरे गाली बोले दो बचे, गाली बोले दो बचे, सर उसका उड़ा दूंगा, बस उसकी खबर दे दो, सर उसका उड़ा दूंगा, बस उसकी खबर दे दो। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर आपकी पाकिजा समातों के हवाले, इरशाद भाई बतौर खास मुलाहजा फरमाए। बिजली भाई भी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ, मुलाहजा करें। कि तबलीग दी छोड़ूंगा, कि तबलीग दी छोड़ूंगा, हरगिज ना नबी बोले, कि तबलीग दी छोड़ूंगा, हरगिज ना नबी बोले, कि तबलीग दी छोड़ूंगा,
हरगिज ना नबी बोले चाहे मेरा चाहे मेरे घातों में तुम शमशो कमे दे दो चाहे मेरे घातों में तुम शमशो कमे दे दो बहुत अच्छे फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप जो है थोड़ी सी और मेहनत वसीम भाई कसम खुदा की आप कह रहे हैं कि मैं नाजिम नहीं हूँ आप माशाल्लाह पूरे पूरे नाजिम हैं बस आपके अंदर बेदारी पैदा हो जाए तो ये जो सोए हुए लोग हैं मुझे लग रहा है कि शकरपुर में अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह ये जो बच्चे हैं ये बहुत बेदार हैं आइए चार मिसरे दिल खराबादी के उस असार से तरमीम करके चोरी करके मैं इन बच्चों के हवाले से पढ़ता हूँ और आपको आपकी दुआएं मांगता हूं मुलाजा फरमाए ये बच्चे जो बैठे हैं अगली सब में इनके हवाले से पढ़ता हूं वसीम भाई अब आपकी जिम्मेदारी है उलमा इकराम की दुआएं मुलाजा करें कि शाहरुख न बनूंगा थोड़ा सा बेदार हो जाइए कि शाहरुख न बनूंगा शाहरुख न बनूंगा शाहरुख न बनूंगा न तो सलमान बनूंगा शाहरुख न बनूंगा शाहरुख न बनूंगा शाहरुख न बनूंगा न तो सलमान बनूंगा सलमान बनूंगा शाहरुख न बनूंगा शाहरुख न बनूंगा न तो सलमान बनूंगा सलमान बनूंगा शाहरुख न बनूंगा शाहरुख न बनूंगा न तो सलमान बनूंगा मैं हो के बड़ा मैं हो के बड़ा हाफिज कुरान बनूंगा मैं हो के बड़ा हाफिज कुरान बनूंगा बहुत शुक्रिया फिर पढ़ दूं अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि शाहरुख न बनूंगा शाहरुख न बनूंगा बनूंगा मैं होके बड़ा मैं होके बड़ा हाफिज कुरान बनूंगा और ये भी शेर बतौर खास मुलाहजा फरमाएं कि शोहरत नहीं अल्लाह कि शोहरत नहीं अल्लाह की रजा के लिए दिल कशे रजा के लिए दिल कशे कि शोहरत नहीं अल्लाह शोहरत नहीं अल्लाह के लिए शोहरत नहीं अल्लाह की रजा के लिए दिल कशे शोहरत नहीं अल्लाह की शोहरत नहीं अल्लाह की रजा के लिए दिलकशी अरे मैं मजहब इस्लाम का अरे मैं मजहब इस्लाम का हसन बनूंगा मैं मजहब इस्लाम का हसन बनूंगा बहुत बहुत शुक्रिया और वसीम भाई चार मिसरे का और मैं सहारा लेता हूं फिर उसके बाद नाते पाक के दो तीन शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा इसमें कि मेरे बड़े भाई ताबिश रेहान साहब यहां तशरीफ फरमा हैं अभी मुतबर उलमा इकराम यहां डाइस पे मौजूद हैं उन्हें भी हमें सुनना है मैं यहां से मतलब पेश करता हूँ तैयार हैं आप लोग इजाजत है हाथ उठा के इजाजत दीजिए बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज में बोलिए सुभान अल्लाह बिजली भाई सुनिए कि हमें दीन नबी
कि हम दीन नबी के शैदाई हमें फिर कपर से ती क्या जाने हमें दीन नबी के शैदाई हमें फिर कपर से ती क्या जाने हमें दीन नबी के शैदाई हमें फिर कपर से ती क्या जाने हमें लोग मदारिस वाले हैं हमें दहशत गर्दी क्या जाने हमें लोग मदारिस वाले हैं हमें दहशत गर्दी क्या जाने मनकबत का ये शेर बतौर खास लहजा फरमाए कि बो बकर उमर उस्मान अली ये चारों सबसे अफजल हैं कि बो बकर उमर उस्मान अली ये चारों सबसे अफजल हैं कि बो बकरों में उस्मान अली ये चारों सबसे अफजल गए जो इनको बुरा कहते के सुनो वो इनकी हस्ती क्या जाने जो इनको बुरा कहते के सुनो वो इनकी हस्ती क्या